हेलो बॉयज एंड बॉयज, लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो इस ओल्ड वानों पर होने वाला है एंड हियर आई एम। अगर चैप्टर 1055 तक रीड नहीं किया है तो ये वीडियो मत देखो, रीड कर रखा है तो लो इंट्रो देखो, फिर मेन बातें चालू करते हैं। लेट्स बी गेन। वैसे तुमको याद है ना कि रॉबिन कुछ चैप्टर पहले एक पोनीग्लिफ रीड कर रही थी। ब्लैक एंड व्हाइट होने की वजह से मुझे ऐसा लगा था कि वो रोड पोनीग्लिफ था, बट नहीं, वो वाला पोनीग्लिफ था जिसको लॉ ने पहले खोज लिया था। और जिस रूम में वो पोनीग्लिफ था उसी रूम में एक सीक्रेट बेसमेंट का रास्ता भी है जिसके थ्रू और नीचे जाया जा सकता है। और यही बेसमेंट वाले रास्ते में सूकिया की रॉबिन और लॉ घुसते हुए दिखे हमें चैप्टर 1055 में। इस रास्ते के अगर एकदम नीचे चले जाए तो वहाँ पर है थर्ड रोड पोनीग्लिफ। अब ये एरिया है ना जहाँ पर थर्ड रोड पोनीग्लिफ है, उससे अगर और नीचे जाया जाए तो वहाँ पर है प्लूटोन, लेकिन नीचे जा नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ पानी, नीचे पूरा पानी है। ये चीज़ पे सीधा बात करने से पहले जान लेते हैं कि सूकिया की ने एग्जैक्टली बोला क्या क्या है। सूकिया की ने बताया कि बहुत टाइम पहले वानो सी लेवल पर लोकेटेड था, बट एक पॉइंट पर जाके वानो के आजू बाजू वॉल्स आ गई जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, और ये वॉल्स की वजह से वानो एक क्लोज्ड आइलैंड बन गया। एंड क्लोज होने की वजह से जब भी बारिश होती थी वो पानी जमा हो जाता था इस क्लोज्ड आइलैंड में, और ऐसा करते करते वानो वॉल्स तक पूरा पानी से भर गया। पहले के टाइम पर एज यू कैन सी इन द पिक्चर एकदम बेस में लोग रहते थे, बट क्योंकि बाद में उधर पानी भर गया वानो के सिटीजन्स को वो टाउन्स को छोड़ना पड़ा, और वॉल्स के इक्वल हाइट में उन्होंने माउंट फूजी के आसपास टाउन्स बना दिया ताकि वो रेन वाटर से डूब ना सके। मतलब कि जिस वाटरफॉल से लूफी लोग ऊपर चढ़े थे वो एक्चुअली में ओवरफ्लो हो रहा रेन वाटर था। ये चीज़ का फोरशैडोइंग वानो आर्क के स्टार्टिंग में ही हो गया था। कार्प जो फिश होता है जिसकी हेल्प से लूफी लोग ऊपर चढ़े थे, वो एक फ्रेश वाटर फिश होता है। इसका मतलब हमें पहले से ही ओडा ने बता दिया था कि वानो के ऊपर का पानी फ्रेश वाटर है ना कि सी वाटर। ये चीज़ हमें पता तो था बट कभी इस इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाए हम ऑडियंस। लमाओ वानो इज़ लाइक अ बोल और ग्लास जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। The walls made Vano a bowl and जब ये पानी ज़्यादा हो गया ये overflow होने लगा and यही दिखने में waterfall लगता है। अब नीचे जो drown हो रहा Vano के towns है ये actually में Kaido और Orochi को कभी नहीं मिलता, but क्योंकि उनके पास एक fishman था Jack, उनको time नहीं लगा इसको खोजने में। अब क्या Jack जब भी इस old Vano को ढूंढा था तब वो devil fruit का user नहीं था? पता नहीं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उस टाइम पर डेविल फ्रूट यूज़र नहीं हो, क्योंकि ओल्ड वानो एक्चुअली में रेन वाटर में डूबा हुआ है और डेविल फ्रूट यूज़र सी वाटर से इम्यून होते हैं, पानी से इम्यून नहीं होते, समुद्री पानी से होते हैं। तो एक डेविल फ्रूट कंज्यूम करने वाला फिशमैन भी केपेबल है इस ओल्ड वानो में घुसने का। नॉर्मल डेविल फ्रूट यूज़र भी अगर लंबे टाइम तक पानी में सांस ले सकता है तो इस ओल्ड वानो में उसको कुछ नहीं होगा, बट क्योंकि फिशमैन के अलावा कोई भी पानी में लंबे टाइम तक सांस नहीं ले सकता इसलिए फिशमैन बेस्ट है इस ओल्ड वानों में एक्सप्लोर करने के लिए। इसके अलावा सूकिया की ने बताया कि अभी ये रॉबिन और लॉ जहाँ पर है अगर उसके और नीचे जाया जाए तो वहाँ पर प्लूटोन है। मैंने इस वीडियो में बोला था कि प्लूटोन पानी में होगा एंड आई वॉज राइट। एंड जो क्वेश्चन इस वीडियो से उठ रहा था कि अगर प्लूटोन पानी में है तो फिर फर्स्ट जॉब उसको पानी में छुपाए कैसे, वो तो निका फ्रूट का यूज़र था ना, तो फिर वो पानी में कैसे छुपाया? आंसर मिल गया, क्योंकि उस टाइम प्लूटोन पानी में नहीं था, एक्चुअली ओल्ड वानों में ही पानी नहीं था, ओल्ड वानों में ही कहीं पर प्लूटोन छुपा हुआ है। अब जैसा सूकिया की ने बोला कि जैक की वजह से काइडो को इस ओल्ड वानों के बारे में पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि जैक ने शायद प्लूटोन देख रखा है एंड उसने काइडो को भी प्लूटोन के बारे में बताया, विच मीन्स काइडो बहुत सालों से अवेयर था कि उसके एकदम नीचे ही कहीं पर प्लूटोन है। क्या इसी रीज़न से काइडो ने वानों को स्पेशल बोला था? मे बी। अब क्यों काइडो प्लूटोन को कभी पा नहीं पाया, इसका भी रीज़न सूकिया की ने बता दिया है, और वो ये है कि प्लूटोन को एक्सेस करने के लिए आजू बाजू के वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लूटोन एक बड़ा शिप है और कोई भी फिशमैन इतने बड़े शिप को नहीं निकाल सकता अकेले, इसलिए काइडो को पता चलने के बाद भी वो कभी प्लूटोन को नीचे से नहीं निकाल पाया। एक और रीज़न ये है कि प्लूटोन को ऐसे ही ऊपर नहीं खींचा जा सकता, उसको अगर एक्सेस करना है तो फिर वानों को कवर कर रहे वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और फिर पानी के निकलने का वेट करना पड़ेगा, और फिर या तो उस पानी के साथ प्लूटोन भी बाहर आ जाएगा या फिर पानी के बाहर आने के बाद खुद से ओल्ड वानों में घुस के प्लूटोन निकालना पड़ेगा। अच्छा, अभी के टाइम पे सबको पता है ना कि वानों में हमला करना नियर टू इम्पॉसिबल है,
ऐसा इसलिए क्योंकि वानों में बाहर से घुसने के लिए वाटरफॉल चढ़ना ज़रूरी है, इसलिए वानों के ऊपर रह रहे लोगों के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो इजीली ऊपर चढ़ रहे किसी को भी थोड़ा सा भी कोचक के गिरा सकते हैं, जैसे बिग मॉम को किंग ने गिराया था। प्लूटोन को निकालने के लिए वॉल्स तोड़ना ज़रूरी है, बट अगर ये वॉल्स टूट गए तो फिर ये वाटरफॉल भी नहीं रहेगा और वानों का डिफेंस ख़त्म है। इसलिए प्लूटोन को निकालने के चक्कर में वानों को अपने डिफेंस को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब जैसा हमको पता है, 8 साल पहले वानो ओपन कंट्री था और ओडन ने 20 साल पहले बोला था कि 20 साल बाद जॉयबॉय आएगा और वानो को फिर से ओपन करेगा। अब हमें समझ आ गया है कि बाई ओपनिंग ओडन एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा था। ही मेंट कि इन वॉल्स को 20 साल बाद जॉयबॉय आके तोड़ेगा, मतलब कि ओडन ने इनडायरेक्टली ये बोला था कि 20 साल बाद जॉयबॉय आके फिर से प्लूटोन को फ्री करेगा एंड ओल्ड वानो को रिवाइव भी करेगा शायद। जैसा मैंने पहले बोला कि काइडो को भी ओल्ड वानों के अंदर छुपे प्लूटोन के बारे में पता था एंड आई एम श्योर कि उसको भी समझ आ गया होगा कि प्लूटोन को यूज़ करने के लिए वानों के वॉल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो किसी पॉइंट पे तो जाके उसने ट्राई किया ही होगा ना इन वॉल्स को तोड़ने का, बट वो सक्सीड नहीं हो पाया, राइट? तभी तो ये वॉल्स अभी भी एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि काइडो, जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, वो तक कभी इन वॉल्स को तोड़ नहीं पाया। मतलब कि इन वॉल्स को तोड़ना वॉज इम्पॉसिबल इवन फॉर द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर। अब इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्स एग्जैक्टली वानों के आसपास बने कैसे, ये क्वेश्चन दिमाग में सबके आया ही होगा आई गेस। एंड अब इन स्ट्रॉन्ग वॉल्स को तोड़ा कैसे जा सकता है? वेल, इसका आंसर है जॉयबॉय। यस, ओडन ने 20 साल पहले बोला था कि 20 साल बाद जॉयबॉय आके इन वॉल्स को तोड़ेगा। वी ऑल नो कि सेकेंड जॉयबॉय लूफी ही है, मतलब कि लूफी ही समहाउ इसको तोड़ेगा। कैसे तोड़ेगा? आंसर है उसके रबर पावर से। मैं तुमको इस वॉल्स के फॉर्मेशन पर अपना थ्योरी सुनाता हूँ, ठीक है? अभी मैं चालू करता है। अवेकन लूफी वर्सेस काइडो के टाइम पर हमने देखा था कि लूफी अपने सराउंडिंग्स को रबर बना पा रहा था। अब सराउंडिंग्स को रबर बनाना लूफी के निका फ्रूट की एक एबिलिटी है, राइट? तो मुझे लगता है कि फर्स्ट जॉयबॉय ने प्लूटोन को छुपाने और सेफ रखने के लिए ओल्ड वानों के जमीन को ही रबर बना के वॉल्स के शेप में स्ट्रेच करके उस मतलब रबर को फिर से जमीन बना दिया। समझे क्या बोला मैं? बता रहे ओल्ड वानों के एच को ही यूज़ करके फर्स्ट जॉयबॉय ने शायद वॉल्स बनाया है। मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इतने बड़े वॉल्स के लिए ज़मीन कहाँ से आएगा, बताओ? मतलब अगर इन वॉल्स को किसी डेविल फ्रूट यूज़र ने बनाया तो अलग बात है, लेकिन अगर जॉयबॉय ने ही स्ट्रेच करके बनाया तो भाई वो मलवा कहाँ से लाएगा? मलवा इज़ अ राइट वर्ड, राइट? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसलिए ओडन को पता था कि वानों को ओपन सिर्फ जॉयबॉय ही कर सकता है। इन वॉल्स को रबर बना के ही शायद इन वॉल्स को हटाया भी जा सकता है एंड ये चीज़ लूफी ही करेगा और उसको जल्द ही करना पड़ेगा ओडन के प्रिडिक्शन के हिसाब से। अब क्या लूफी फिर से उस वे में अवेकनिंग करके अपने आसपास के एरिया को रबर बनाने का एबिलिटी यूज़ कर पाएगा? क्या पता, बट उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। मे बी यहाँ पर हमें एक और 1-2 महीने का टाइम स्किप दिखेगा जिसमें लूफी यही एबिलिटी को विलिंगली करने के लिए ट्रेन करते हुए दिखेगा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि यामाटो समहाउ लूफी की हेल्प करेगी इन वॉल्स को तोड़ने में। याद है ना, काइडो ने यामाटो को बोला था कि यामाटो के फ्रूट को काइडो बहुत टाइम तक ढूंढ रहा था। ऐसा उसने बोला था ना कि मैं बहुत टाइम तक तेरे फ्रूट को ढूंढा है ऐसा दुनिया भर का। मे बी काइडो यामाटो के फ्रूट को इतना ढूंढ रहा था क्योंकि उसे लगा था कि यामाटो के फ्रूट से समहाउ इन वॉल्स को तोड़ा जा सकता है, सिंस वो फ्रूट वानों के गार्डियन डीएटी की पावर्स प्रोवाइड करता है यूज़र को। अब जब लूफी इन वॉल्स को तोड़ेगा तब ओल्ड वानो, जो कि अभी पानी में डूबा है, उसका पानी निकलने की वजह से वो भी फिर से हैबिटेबल टाउन बन जाएगा। अब क्या इस हैबिटेबल टाउन से सिर्फ प्लूटोन ही मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। खुद सोचो, 800 साल से डूबे हुए टाउन में कुछ तो ऐसा मिलेगा ही ना प्लूटोन के अलावा जो कि लूफी का काम आएगा। कुछ इंस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन पता चल सकता है शायद हमें, जो कि उस टाइम के कोजुकीज ने फ्यूचर जॉबों के लिए लिखा था। मे बी कोई सीक्रेट मैसेज टाइप्स। यहाँ पर जिम्बे भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इन वॉल्स को तोड़ने के लिए। शायद जिम्बे भी अंदर से कोशिश करेगा शायद, क्या पता, कर सकता है वो। अगर ये थ्योरी सच होती है तो फिर डैम भाई, फर्स्ट जॉयबॉय और कोजुकी जीनियस थे। क्या छुपाया है वे प्लूटोन को? प्लूटोन को पाने के लिए और वानों को ओपन करने के लिए लूफी को इस बॉल को तोड़ना ही पड़ेगा, इस बड़े से वानों को तोड़ना ही पड़ेगा। टैम मज़ा आएगा। ऊपर रह रहे वानों के सिटीजन शायद फिर नीचे आ जाएंगे। अभी भी मेरा एक क्वेश्चन है वैसे कि नीचे रहने वाले वानों के वासी ऊपर पूरा टाउन कैसे बना लिए? पहाड़ के अंदर नहीं है अभी वाला फ्लावर कैपिटल और सब कुछ, पहाड़ के आसपास बना है।
मे बी फर्स्ट जॉबिन ने इस पहाड़ से ही ज़मीन स्ट्रेच करके उस टाइम पर वानों में रह रहे निवासी के लिए कुछ जुगाड़ कर लिया रहने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक डेविल फ्रूट यूज़र था जिसका डेविल फ्रूट पावर ही था कि वो ज़मीनें बना सकता है, क्या पता भाई। अगर फर्स्ट जॉबिन ने हरकतें की है तो फिर क्यों वानों के लोगों ने अलाउ किया फर्स्ट जॉबिन को हरकतें करने के लिए? दो रीज़न्स हो सकते हैं इसके। पहला कि कोजुकी फैमिली ने फर्स्ट जॉबे को शायद अलाउ किया क्योंकि फर्स्ट जॉबे और कोजुकी का कुछ कनेक्शन था एंड कोजुकी मानी, मतलब पूरी वानो मानी। दूसरा कि इस चीज़ में वानो का भी फ़ायदा हुआ, वानो इतना सैक्स हो गया डिफेंस के मामले में, भाई क्या तगड़ा हो गया है वे। तुम्हें क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन के बारे में? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो शायद तक कल या परसों ही आ जाएगा, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आज तक मिलेगी, तो बाय बाय।